हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पंकज अकेडमी ऑनलाइन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। आज ही की डेट में देखो, यहाँ पर 16 मार्च 2022 का। अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप विभिन्न पदों पर इसमें भर्ती निकाली गई है। आपके अलग अलग कोड पद के कोड दिए गए हैं, पद के नाम और विभागों के नाम और उनके पदों की संख्या। प्रयोगशाला सहायक जो विज्ञान के हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 218 हैं गैर अनुशासित क्षेत्र में, और अनुशासित क्षेत्र में 200, यानी कुल पदों की संख्या है 461। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो है कृषि विभाग में 15 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र में एक पोस्ट है। कुल पद है यहाँ पर 16। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए चाहिए उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 882 और अनुसूचित क्षेत्र में 26, तो कुल हैं 308 पदों पर। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय के लिए राज्य विधि विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसमें 14 पोस्ट निकली हैं और अनुसूचित क्षेत्र में इसमें कोई पोस्ट नहीं है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि प्रयोगशाला के अंदर पोस्ट निकली है 48 पोस्ट, कुल पद हैं वो 48 है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए चाहिए इनको तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में जो विभाग है उसके अंदर 123 पोस्ट निकली है और 5 जो है अनुसूचित क्षेत्र में है, तो कुल है ये 128। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान होम साइंस के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 35 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 2 पोस्ट हैं, कुल मिला के 37 पोस्ट है। कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 735 पोस्टों पर जो भर्ती निकली है और कुल जो है अनुसूचित क्षेत्र में 277 जो है पोस्ट उनके लिए, तो टोटल पोस्ट हो जाती है 1012 पोस्ट। यहाँ ये कुछ विशेष नोट दिया हुआ है जो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस पद में आप एलिजिबल हैं। यहाँ इन्होंने नीचे दे रखा है कि कौन से पद के लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 250 रुपये लगेंगे यहाँ पर। और बात करते हैं कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार, अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के समान यहाँ की परीक्षा शुल्क है वो 250 रुपये लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो है एक सक्षम जो प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा तथा दस्तावेज जब आपके चेक होंगे, दस्तावेज सत्यापन के समय आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा। फीस अगर एक बार जमा हो जाती है तो वापस आपको लौटाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, और ये कुछ अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश हैं। वेतनमान जो है प्रयोगशाला सहायक के लिए पे मैट्रिक्स 8 जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन इसके एग्जाम को दे सकता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर पद कोड 1 इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषय में से कम 3 विषयों के साथ सेकेंडरी जो है आपने 12th पास की हो, कम से कम 3 जो है जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपने 12th की है तो आप इसमें एलिजिबल है। कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान मतलब बायोकेमिस्ट्री, फिर आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, और अपने
जीव विज्ञान और अगर आपने कोई भी तीन अगर आप देखें तो अगर आपने 12th के अंदर पढ़ाई की है तो आप जो है फर्स्ट जो है कोड पद कोड एक के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आप इसको देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो हिंदी है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तीन सब्जेक्ट आपके जरूर होने चाहिए। मैथमेटिक्स वाले भी इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उन्होंने कह ले रखा हो साथ में बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी अगर पढ़ाई की है, क्योंकि क्या जो गणित है मैथमेटिक्स वाले उनके केमिस्ट्री तो होती है, लेकिन हाँ और गणित वाले भी जो मैथमेटिक्स वाले वो भी भर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ उनके तीन कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, ठीक है। बायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स उनके होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो तो डायरेक्टली भर सकते हैं, और जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक बार जरूर देख लें कि उनके पास उन्होंने कोई तीसरा सब्जेक्ट वहाँ पे चूज किया था या नहीं किया था। पद कोड 2 से 5 के लिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए जो योग्यता चाहिए वो कितनी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सेकेंड सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य अगर परीक्षा पास की है तो वो दे सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 30 ओनली क्या चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक देखो मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ क्या किए उन्होंने, सीनियर सेकेंडरी 12th पास की है तो वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कोई आपको तीन जो सब्जेक्ट है उनका कोई जो है परेशानी। पद कोड 6 प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए आपको भूगोल के विषय में जो है 12th पास आउट आपके होने चाहिए या उसके समतुल्य अगर कोई आपने परीक्षा दी है तो एलिजिबल हो सकते हैं। और गृह विज्ञान के जो प्रयोगशाला पद हैं उसके लिए आपको गृह विज्ञान के विषय में सीनियर सेकेंडरी क्या होनी चाहिए, पास आउट। अब देखो इसके अंदर अब सबसे ज्यादा परेशानी आती है जो इस टाइम पर एग्जाम दे रहे हैं, तो जो लास्ट जो है 12th अभी दे रहे हैं उनके वो एलिजिबल है या नहीं है, तो पाठ्यक्रम का, ठीक है, मतलब 12th बेस्ड है तो पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो या चुकी हो या उपस्थित हो रहा हो तो उस पद के आवेदन के पात्र होगा, किंतु उसे जब आपका चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता है तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, ठीक है, और जहाँ चयन लिखित परीक्षा में साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है उसे साक्षात जो इंटरव्यू में उपस्थित होने से पूर्व, और जहाँ केवल लिखित परीक्षा होगी वहाँ केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है तो लिखित परीक्षा अथवा इंटरव्यू में उपस्थित होने से पूर्व आपके पास क्या होनी चाहिए, जो 12th पास होनी चाहिए या फिर जो भी आपके पद के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास नहीं किया है, अगर आप 12th में एग्जाम दे रहे हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आयु आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को आपकी 18 वर्ष कम से कम कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपकी आयु जो है 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो कुछ एज में रिलैक्सेशंस हैं, तो एज में रिलैक्सेशंस जो आप बाकी सब भर्तियों में देते हैं वैसे ही इसमें भी 5-5 साल का जो है और बाकी अदर जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर की महिला व जो अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट भी दे रखी है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा कराने और आवेदन पत्र भरने की अवधि कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप 25 मार्च से 23 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 25 मार्च से 23 अप्रैल तक, लेकिन आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है, पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। परीक्षा की डेट जो अभी तक दे रखी है वो सेम है 28 एवं 29 जून, तो काफी कम टाइम है आपके पास, लग जाइए आप तैयारी में। और आप जब फॉर्म भरें तो फोटोग्राफ्स जो है आपका होना चाहिए, उसमें चश्मा अगर आप पहनते हैं तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जो आपका चश्मे उसके ऊपर फ्लैश नहीं होना चाहिए, चमक नहीं आनी चाहिए, और फोटो की जो फाइल का आकार है वो 50 से 100 KB का होना चाहिए,
और 100 KB से जो फोटो की जो साइज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे वो अपलोड नहीं होगी। जो आपके हस्ताक्षर हैं वो 20 से 50 KB तक के बीच में होने चाहिए, 50 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपने कोई फॉर्म भरते टाइम गलती कर दी है तो घबराए नहीं। जो आपकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल, उसके 7 दिन बाद क्या होगा, आपको वापस मौका मिलेगा अपने फॉर्म में संशोधन करने का, लेकिन वहाँ पे जो आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी 300 रुपये। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।